हाय गाइस, जय हनुमान। स्वागत आप सभी का गाइस जे एडवांस 2022। जे एडवांस का एग्जाम आपका 28 ऑफ अगस्त को होने जा रहा है। 28 अगस्त को एग्जाम होने के साथ आज से हम चालू करने वाले हैं कि इंडिया के सारे आईआईटीज में कैटेगरी के हिसाब से आपको सीएस ब्रांच अगर लेनी है तो कितने परसेंटेज का टारगेट लेके चलना होगा। हम यहां पर आपको परसेंटेज की रेंज बताएंगे, मार्क्स नहीं बताएंगे। इसका रीजन सबसे बड़ा ये है कि जे एडवांस के एग्जाम में मार्क्स का पहले से ये नहीं कह सकते कितने मार्क्स का जे एडवांस का पेपर आएगा, क्योंकि वो अनसर्टेन होता है। और साथ साथ पिछले इतने सालों में देखने में आया है कि पेपर का डिफिकल्टी लेवल काफ़ी ज़्यादा वेरी करता है, इसलिए हम आपको परसेंटेज की रेंज देंगे ताकि आप उस परसेंटेज की रेंज के टारगेट बना करके अगर आप जिस भी आईआईटी में जो भी सीएस लेना चाहते हैं, आप किसी भी आईआईटी में, तो आप अपने परसेंटेज के हिसाब से आप अपना प्लान कर पाएं। ये परसेंटेज इसलिए भी कह रहा हूँ क्योंकि जे एडवांस की मार्किंग स्कीम पहले से सर्टेन नहीं होती है। कई बार देखा जाता है कि 390 मार्क्स का पेपर है, कई बार 480 का है, कई बार 520 का है, कभी 360 मार्क्स का पेपर है। इसलिए आपको परसेंटेज की रेंज के हिसाब से बहुत आसानी से समझ में आ सकता है कि कितनी परसेंटेज का आप टारगेट लेकर चलें ताकि आप आईआईटीज की सीएस ब्रांच तक पहुंच पाएं। तो बात कर लेते हैं आईआईटी बॉम्बे के लिए। जनरल की डिग्री के स्टूडेंट को 75 से 78%, ईडब्ल्यूएस को 68 से 73%, ओबीसी 60 से 63%, एससी वाला बच्चा अगर 52 से 58% भी लेके आ रहा है तो बॉम्बे सीएस मिल सकती है। एसटी वाला बच्चा भी अगर 52 से 58% लेके आ रहा है तो उसको बॉम्बे में सीएस मिल सकती है। आईआईटी दिल्ली के लिए जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट को 73 से 75%, ईडब्ल्यूएस 63 से 66%, ओबीसी 55 से 58%, एससी 52 से 50%, और एसटी वाला बच्चा भी अगर करीबन 52 से 50% लेके आ रहा है तो उसको आईआईटी दिल्ली में सीएस मिल सकती है। आईआईटी मद्रास के लिए जनरल कैटेगरी का स्टूडेंट 68 से 70%, ईडब्ल्यूएस 59 से 62%, ओबीसी वाला बच्चा 55 से 58%, और एससी एसटी वाला बच्चा अगर 45 से 48% भी लेके आ रहा है तो उसको आईआईटी मद्रास में सीएस मिल सकती है। आईआईटी कानपुर और खड़गपुर में जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट को 65 से 68%, ईडब्ल्यूएस को 57 से 59%, ओबीसी वाला बच्चा 52 से 54%, एससी एसटी वाला बच्चा अगर 42 से 45% भी लेके आ रहा है तो इंडिया के टॉप 5 आईआईटी में उसको कानपुर और खड़गपुर में सीएस मिल सकती है। तो गाइस, अगर आप टॉप 5 आईआईटी में सीएस ब्रांच लेके पढ़ना चाहते हैं तो आपको शॉर्ट में 75 से 65%, ईडब्ल्यूएस को, ये जनरल की बात मैंने करी, ईडब्ल्यूएस को 68 से 57%, ओबीसी को 63 से 52%, एससी को 52 से 42%, और एसटी को भी 52 से 42% अगर वो लेके आ रहा है तो इंडिया के टॉप 5 आईआईटी में उसको सीएस ब्रांच मिलने की संभावना है। करियर के अपडेट्स के हमारे चैनल पर जुड़े रहे, नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, लेटेस्ट नोटिफिकेशन के बेल आइकन प्रेस कर ले, क्योंकि यहां मिलती रहेगी आपको बहुत सारे वीडियो की बौछार जो आपको करियर के लिए हेल्प करेगी। विश यू ऑल द बेस्ट। जय हनुमान, बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।